हम वयस्क होने के पश्चात वाहन चलाते समय पैदल एवं साइकिल यात्रियों का सम्मान प्रदान करेंगे। सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे तथा अन्य को भी प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। प्राप्त किए तथा बिना वैध लाइसेंस प्राप्त किए वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम बिना हेलमेट के वाहन का संचालन नहीं करेंगे। धन्यवाद। नहीं करना है, ठीक है? तभी भी आप राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा, जिसका शुभारंभ आज गुरु कृपा डिवाइन ग्रेस से जो किया गया है। इसमें प्रतिदिन कार्यक्रम निर्धारित है, जिसे 12 तारीख को हेलमेट सीट बेल्ट का चलान है, 13 तारीख को जो है जो शिक्षा परिवहन समिति उसकी बैठक है, और इस तरह एक दिन ड्राइविंग का जो प्रशिक्षण है और उनका जो है नेत्र जाँच है, और इस तरह डेली कार्यक्रम जो है लगे हुए हैं। जहाँ तक सड़क दुर्घटनाओं में बहराइच का प्रश्न है, वहाँ बहराइच जो मेनली जो दुर्घटनाएं हो रही हैं जो कि हाईवेज पे हो रही हैं, चाहे लखनऊ टू बहराइच हाईवे हो या बहराइच टू जो है रुपैडिया हाईवे हो, इस पे रोक के लिए हम लोग जो है निरंतर जो है प्रयास कर रहे हैं 4E के माध्यम से। सामान्य विधायक जी ने कहा, जो अगर गत वर्ष की दुर्घटनाओं के आंकड़े देखें तो टोटल जो है करीब जो 25 मृत्युआं जो है वो हो चुकी हैं, और जो कि पिछले वर्ष के आंकड़ों से जो है ज्यादा हैं, और सड़क दुर्घटनाएं तो कमी हुई कि मृत्यु संख्या बढ़ी है। तो हम लोग का पूरा प्रयास यही है कि बहराइच में जो सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में जो वो कमी लाई जा सके। जो है सप्ताह मनाया जा रहा है, यहाँ विद्यार्थी हैं और यात्रियों की पूरी टीम है, हमारी पुलिस विभाग की पूरी टीम है, इसके अलावा जनप्रतिनिधियों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है, स्कूल के प्रबंधक और प्राचार्य भी हैं। इन सबके माध्यम से हमारा संदेश ये है कि जो भी यातायात के नियम है उनका पालन किया जाए, लोगों में जागरूकता हो ताकि एक्सीडेंट से जो होने वाले हादसे हैं उसमें प्रभावी रोक लगाई जा सके।